यीशु मसीह के नाम से मेरे साथ एक वचन निकालें, भजन संहिता उसका 53 अध्याय और उसके दूसरे पद को पढ़ेंगे। बुक ऑफ साम चैप्टर 53, भजन संहिता 53 अध्याय और उसका 53 चैप्टर वर्स 2 को पढ़ लेंगे। परमेश्वर ने स्वर्ग से मनुष्यों पर दृष्टि की। परमेश्वर ने, ध्यान दीजिएगा, एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। परमेश्वर ने स्वर्ग से मनुष्यों पर दृष्टि की, कोई बुद्धि से चलने वाला और को हालेलुया। आज भी ये वचन हजारों साल पहले लिख दिया गया, लेकिन आज भी ये वचन मेरे और आपके लिए स्थायी है कि क्या कोई एक व्यक्ति है जो परमेश्वर को जानना चाहता है, उस परमेश्वर को समझना चाहता, उसकी युक्तियों को, उसकी योजनाओं को। परमेश्वर ने स्वर्ग से मनुष्यों पर दृष्टि की। अभी जब रॉबिन ढोलक बजा रहा था, आपने देखा, और इसने बहुत प्रोग्रेस किए, पहले से बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया है। बरेली में हमारे एक मित्र हैं जो मुझे लगता है सबसे अच्छी ढोलक बजाते हैं, वो भी पिछले दिनों यहाँ आए भी थे हमारे साथ, 5 दिन थे। इज द बेस्ट ढोलक प्लेयर इन माई नॉलेज। अगर उसके सामने कोई बच्चा, सीखता हुआ बच्चा जो सीख रहा हो, वो ढोलक बजाएगा, तो वो भाई उसको सलाह देते हैं कि भाई ये तुम ऐसे बजा सकते हो और अच्छी तरीके से आप निखरोगे। ठीक है, जब कोई घर है उसे कोई आप बना रहे हैं, आपको कोई जानकारी नहीं, लेकिन अगर उसे कोई आर्किटेक्ट देखेगा तो उसका देखना अलग होगा, राइट। डॉक्टर होगा, आपको लगेगा आप ठीक है, लेकिन डॉक्टर कहेगा आपको देख करके आपके अंदर ये बीमारी है, ये कमी है। देयर एक्सपर्ट पीपल, वो जानते हैं, अपने काम को जानते हैं। ठीक इसी तरह मनुष्य के जीवन को परमेश्वर से बेहतर कोई नहीं जानता। जब हम मनुष्य को, उसकी जिंदगी को, उसके जीवन की युक्तियों को, उसकी योजनाओं को परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखना शुरू करेंगे, आप देखिए परिस्थितियां बदलेंगे। परमेश्वर स्वर्ग से क्यों मनुष्यों पर दृष्टि करना चाह रहा है, क्या कारण है, आपको मालूम है क्यों परमेश्वर जो है मनुष्यों पर दृष्टि कर रहा है? कि उनमें खोट निकाले, उनमें कमियां निकाले, अपने लिए एक बुद्धिमान ढूंढे। खोट तो है ही, कमियां तो सब में है, लेकिन उन तमाम हजार लाखों लोगों की भीड़ में एक व्यक्ति जो है परमेश्वर को ऐसा मिल जाए जो बुद्धि से चलने वाला हो और जो परमेश्वर को पूछने वाला हो। आप देखिए, परमेश्वर को पूछने वाले हम बनेंगे, लेकिन ये कितना इसके पीछे रहस्य, कितना इसके पीछे दर्शन है। एक व्यक्ति चाहिए जो परमेश्वर को पूछे, अर्थात परमेश्वर की योजनाओं को और युक्तियों को पूछे कि परमेश्वर आप क्या चाहते हैं। पूछने का क्या मतलब हो गया? आप बैठे किसी व्यक्ति के साथ बैठे, पूछे भाई आप कैसे हैं, आप ठीक हैं, आपकी सेहत ठीक है और आपका काम ठीक है। यही तो हम किसी से मिलकर बातचीत करते हैं अपने दैनिक जीवन में। ठीक इसी तरह एक व्यक्ति जो परमेश्वर के साथ घुटने पर बैठे, प्रार्थना में बैठे और परमेश्वर से कहे कि प्रभु आज मेरी योजना है नहीं, लेकिन चलिए आप आपकी योजना सुन लेते हैं कि आपकी योजनाएं क्या है, संसार के लिए, लोगों के लिए, जाति जाति के लोगों के लिए, इस राज्य के लिए, शहर के लिए क्या योजनाएं हैं। दैट्स गॉड। अगर वो बाइबल पढ़िए, देखना बुक के अंदर, वो जो नई जो हमने प्रिंट करवाई, शायद होनी चाहिए, मुझे नहीं मालूम, कई बार हम कोशिश करते हैं कि आप तक वो पहुंचे, लेकिन वो हर बार रह जाती है। और आपने में से किसी ने इच्छा नहीं दिखाई कि एक बार पूछे कि भाई वो बाइबल दिखाई दीजिए कौन सी जो बनी है। एक व्यक्ति को परमेश्वर ने दर्शन दिया, उसने कहा एक ऐसी बाइबल छपनी चाहिए जो साधारण तरीके से आम भाषा में आदमी समझ पाए। परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। ये बाइबल जो आप पढ़ते हैं थोड़ी टफ है, ये इसकी लैंग्वेज टफ है, इसमें जो शहर के नाम, गांव के नाम है, जो लोगों के नाम है, जो रीति रिवाजों के नाम है, बड़ा टफ होते है कभी। एक व्यक्ति को परमेश्वर ने दर्शन दिया कि इस बाइबल को सरल भाषा में लिख, आम भाषा में लिख। उसने अपनी जवानी दे दी, लग गया वो 3 साल, सब काम छोड़कर लग गया कि तब परमेश्वर ने दर्शन दिया इस काम को पूरा करूंगा। एक व्यक्ति जो परमेश्वर की इच्छा को जानता हो, ऐसे मैं कई लोगों को जानता हूं, ऐसे कई लोगों को मैं व्यक्तिगत रीति से जानता हूं, या हम इतिहास में पढ़ते हैं, साधु सुंदर सिंह के बारे में आप सब जानते हैं। जब परमेश्वर ने उनसे मुलाकात की, परमेश्वर ने उनसे बात की, उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी पूरी जवानी परमेश्वर को दे दी, अपना जीवन। आपको मालूम है वो कितने धनी व्यक्ति थे? एकड़ों की एकड़, हजारों एकड़ जमीन जो रामपुर में, वो साधु सुंदर सिंह जी की जमीन थी। जमींदार थे उनके पिताजी,
लैंडलॉर्ड्स थे वो, लेकिन जब परमेश्वर ने उनको दर्शन दिया, परमेश्वर ने उनके कान से, परमेश्वर ने उनके हृदय से बातचीत की, उन्होंने जमीन की, उस संसार की भौतिक चीजों की चिंता नहीं की, निकल पड़े परमेश्वर की सेवा करने के लिए। और परमेश्वर ने उन्हें कहां का दर्शन दिया आपको पता है? कहां ले गए उनको? कितने लोगों को याद है? तिब्बत। एक व्यक्ति जिसका जन्म पंजाब में हुआ हो, लैंडलॉर्ड हो, धनवान व्यक्ति हो, उसको परमेश्वर कह रहा है कि जाओ तिब्बत में जाकर प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करो। वो निकल पड़े, अपनी पूरी जवानी उन्होंने प्रभु को दे दी, मर गए, इतनी तकलीफें उठाइयां पड़ी है उनको, भूखा रहना पड़ा उनको, पैदल चलते थे वो, आपको मालूम है तिब्बत, पैदल चलते चलते तिब्बत पहुंच गए। ये जवानों को पता होना चाहिए, ये हमारे विश्वास का आधार है, ये हमारी सेवा की बुनियाद है। हमारे पूर्वज जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह की सेवा की है, उन्होंने कभी अपनी जिंदगी के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपने परिवार, अपनी सुख सुविधाओं की चिंता नहीं की। और अगर चिंता की होती तो आज हजारों लाखों लोग प्रभु में नहीं होते। आप नूह के जीवन से सीखते हैं, 120 साल तक परमेश्वर की आज्ञा को मानता रहा, अपने साथ काम करता रहा, लोगों को लगाया उसने। चलो भाई, उसके बेटे भी काम करते होंगे, वर्णन तो नहीं है लेकिन मैं कल्पना करता हूं। 120 साल तक अपनी पूरी जिंदगी उसने परमेश्वर को दे दी कि हम प्रभु आपका काम करेंगे। लेकिन आज क्या होता है, आज कलीसियाएं, व्यक्ति, समाज, जो मसीह समाज है, बस अपनी उधेड़बुन में लगा हुआ है। हम अपने कामों में लगे, परमेश्वर के राज्य की, परमेश्वर की योजनाओं की, परमेश्वर की जो योजना है उसकी कोई चिंता ही नहीं हमारे मन में कि परमेश्वर के, हम जाति जाति के लोगों को देखकर क्या सोचते हैं। मैं जब एयरपोर्ट पे होता हूं, मैं तमाम लोगों को देखता हूं, मुझे इस्कॉन टेम्पल वाले दिखाई देते हैं, सड़क पर देखता हूं, मैं जा रहे हैं नाम लेते हुए, पूजा करते हुए, ब्रह्म कुमारी, ये वो, दुनिया भर के मूवमेंट चल रहे हैं। कभी हमने सोचा कि इन लोगों तक हम पहुंचें, इनको सुसमाचार सुनाएं, इनकी सहायता करें, इनको प्रभु के बारे में सिखाएं? एक व्यक्ति परमेश्वर को चाहिए, परमेश्वर का वचन कहता है, एक व्यक्ति जो रुक कर परमेश्वर से पूछे कि प्रभु आप क्या चाहते हैं, किस देश के लिए, किस समाज के लिए, किस जाति के लिए, किस कॉलोनी के लिए, किस वर्ग के लोगों के लिए आपकी योजना है। अभी मैं पिछले दिनों नागपुर में था, पुणे में था, मैं कई प्रकार के लोगों से मिला। हमारा एक भाई कमिटेड है अंधों के लिए, बिलीव, उसने अपना पूरा जीवन जो है अंधों को दे दिया। जो अंधे लोग हैं, जो देख नहीं सकते, चल नहीं सकते, उनके पास में जाना, उनको प्रभु के बारे में सिखाना, उनके लिए इस तरीके के ऑडियो तैयार करना, अपनी भाषा में बोल बोलकर यीशु मसीह। अब तो आज बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजें भी आ गई हैं, यूट्यूब भी आ गया। कह रहे जब कुछ भी नहीं था, मैं अंधों के पास जाता और बैठकर उनको प्रभु के बारे में सिखाता और उन्हें बताता कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। पिछले दिनों हमारे एक भाई यहाँ पर आए थे, आप जानते होंगे, अजय चवन जी, प्रभु के सिंगर हैं। वो बता रहे अब तक वो 40 जेलों में जा चुके, 40 जेलों के अंदर खड़े होकर उन्होंने लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में सिखाया। कह रहे प्रभु ने मुझे दर्शन दिया, जो कैदी हैं, जो कैद के अंदर हैं, उनको जाओ। और उन्होंने बताया जब वो वहां जाते हैं और आराधना करते हैं, गीत गाते हैं, प्रभु के बारे में बताते, जैसे भी पास्टर विलियम गीत गा रहे थे, लोग, कैदी रोने लगे। उसमें से कुछ लोग 5 साल बाद निकलेंगे, कुछ 3 साल बाद निकलेंगे, कुछ कभी नहीं निकलेंगे, लेकिन एक ही इच्छा है कि वो प्रभु को जाने, जीवित परमेश्वर को जाने और उस उद्धार के राज्य में प्रवेश करें। क्योंकि संसार की जेलें और संसार की बातें तो समाप्त हो ही जाएंगी, संसार के कष्ट समाप्त हो जाएंगे, लेकिन आत्माएं जो एक नाश हो रही है, एक एक आत्माएं जो नाश हो रही है, उसका जो लहू है वो मसीह समाज के ऊपर आएगा, आपके और मेरे ऊपर आएगा। मैं आपको गारंटी देता हूं, एक व्यक्ति चाहिए जो घुटने में बैठे सुबह 4 बजे परमेश्वर से कहे कि प्रभु आप क्या चाहते हैं, बताइए मेरे जीवन में, मैं तो सिर्फ अपने बारे में चिंता कर रहा हूं, मुझे अपने कोट पैंट की, अपने शर्ट की, अपने खाने पीने की, अपने घर गृहस्थी, अपने बी बच्चों की चिंता है, लेकिन आज मैं बैठता हूं, मुझे बताइए कि आप क्या चाहते हैं मेरे जीवन से, किस जाति, किस भाषा के लोगों के बीच में मैं जाऊं, क्या करूं, कोई गीत लिखूं, कोई गिटार सीखूं, कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सीखूं, क्या करूं प्रभु मैं आपके लिए, व्हाट आई शैल डू, क्या कर सकता हूं प्रभु मैं आपके लिए। मैं आपको दावा देता हूं कि परमेश्वर आपको बताएगा। परमेश्वर ने नूह को, देखो पूरी पृथ्वी पर दृष्टि की, कितने लोगों को धर्मी पाया, एक व्यक्ति को। देखिए आप उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6 अध्याय निकालिए, वचन देखिए, पूरी पृथ्वी पर परमेश्वर ने दृष्टि की और एक नूह को निकाले, 6 अध्याय और 9 को पढ़े। हाँ, नूह की वंशावली पढ़े। ये गवाही कौन दे रहा है नूह के बारे में? ये गवाही कौन दे रहा है कि नूह जो है था वो एक धर्मी था और अपने लोगों के समय में खरा था? आगे पढ़े,
किसने लिखी उत्पत्ति की पुस्तक? उत्पत्ति की पुस्तक को किसने लिखा, किसी को याद है? हाथ उठा के बताइए, उत्पत्ति की पुस्तक किसने लिखी? कितने लोगों को मालूम है कि उत्पत्ति की पुस्तक किसने लिखी है? सिर्फ हाथ उठाएंगे, सिर्फ हाथ उठाएंगे, सिर्फ एक हाथ देख रहा हूं मैं। यही मांग लो परमेश्वर से सुबह 4 बजे उठकर प्रार्थना में कि प्रभु बहुत बातें तो छोड़ो, बस हम घुटने पे बैठ के यही जान लें कि उत्पत्ति की पुस्तक किसने लिखी, निर्गमन की पुस्तक किसने लिखी। बताएं प्रभु, अपने भेदों को प्रकट करें अपने ऊपर। मांगे आप, मूसा ने लिखी। ये होना चाहिए हमारा कार्यक्रम, हमारी डायरेक्शन, हमारी सेवा, कि हम परमेश्वर को जाने, उसकी पुस्तक को जाने, उसके हृदय को जाने, उसकी योजनाओं को जाने। लेकिन एक भाई, मूसा ने नहीं दिया, मूसा ने लिखी जरूर है, लेकिन मूसा के ऊपर एक बात को किसने प्रकट किया? परमेश्वर ने प्रकट किया कि नूह जो था वो अपने समय के लोगों में धर्मी था, खरा था और परमेश्वर के साथ साथ चलता था। हालेलुया। आज हम किसके साथ चल रहे हैं? हम किसके साथ चल रहे? हम अपनी योजनाओं के साथ चल रहे हैं, अपनी चिंताओं के साथ चल रहे हैं। चिंताएं इन लोगों के पास में भी थी, आपको मैं बताना चाहता हूं, मूसा के पास में भी बहुत चिंताएं थी। उसको परमेश्वर इतना बड़ा काम दे दिया मूसा को, जो आप कल्पना नहीं कर सकते। उसको फिरौन के सामने भेज दिया, एक साधारण सा व्यक्ति, उसको कहता है फिरौन के सामने जा और जाकर उनसे कहे कि इजरायली लोगों को छोड़ दे। इतना बड़ा काम, अगर परमेश्वर आज आपको कह दे कि जाइए आप गवर्नर के सामने खड़े हो जाइए, प्रधानमंत्री के सामने खड़े हो जाइए और जाके बोलिए कि ये 11 राज्यों के अंदर जो धर्मांतरण कानून चल रहा है इसको हटाएं। आप कानून नहीं हटवा सकते, और उसको परमेश्वर ने भेज दिया कि पूरे के पूरे राष्ट्र को जो है वो स्वतंत्र कर दे। आप सोचिए, एक व्यक्ति, अकेला व्यक्ति। लेकिन क्यों? आप मूसा के जीवन को पढ़ें। अगर आपने नहीं पढ़ा तो उसके जीवन को पढ़ें। निकालें किताबें, यूट्यूब पे जाएं, किताबें खरीदें, मुझसे बोलें, मैं आपको लाके दूंगा। टीम से बोलें, टीम आपको लाके देगी कि भाई नूह कौन था, मूसा कौन था, उन्हें जान जाइए, सीखिए बाइबल। आप यहां पर, हम यहां पर मनोरंजन के लिए नहीं आते। कलीसिया मनोरंजन के लिए नहीं है, कलीसिया परमेश्वर की योजनाओं को जानने के लिए है। परमेश्वर क्या चाहता है ये हमें जानना है, और जब हम जान जाएंगे तो वो काम पृथ्वी पर चालू हो जाएगा। प्रभु उतर के आकर कर सकता है, लेकिन आपको मालूम है उसने 12 लोगों की टीम बनाई। यीशु मसीह संसार में आया, उसने 12 लोगों को चुना अपने लिए, योग्य लोगों को चुना। उसे लोग चाहिए, जैसा अभी डेविड बता रहे थे कि परमेश्वर आपको बिल्ड करने के लिए भी लोग भेजेगा और शैतान भी आपको नष्ट करने के लिए। ठीक इसी तरह परमेश्वर के राज्य के लिए भी लोग चाहिए, आप चाहिए। स्वर्गदूतों को यह प्रिविलेज नहीं है। परमेश्वर जिब्राइल को भी भेज सकता था मूसा के पास में, ये उसके पास में, फिरौन के पास में, और जाता अगर फिरौन के पास में जिब्राइल जाके खड़ा हो जाता और अपना दैविक रूप दिखा देता तो क्या होता? वो अपने पंख ऐसे फैला देता तो मैं दावा देता हूं कि फिरौन उसके घुटने में नीचे बैठ जाता स्वर्गदूत को देखकर। लेकिन उसने किसको भेजा? एक कमजोर व्यक्ति को जो बोल भी नहीं पा रहा ठीक से, उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही, उसको परमेश्वर का तू बोल। इन सिद्धांतों को समझ लीजिए परमेश्वर कैसे काम करता है। अपने लिए जीना छोड़ दीजिए, अपनी सुख सुविधाओं के लिए, अपनी योजनाओं के लिए, अपनी रणनीतियों के लिए छोड़ दीजिए। मैं आपको दावा दे रहा हूं पछताएंगे। अभी मैं एक मित्र से मिलकर आ रहा हूं, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, 7 महीने जेल में रहे, 7 months ही वॉज इन जेल। प्रॉपर्टी का काम करते हैं, कुछ दिक्कतें हुई, कुछ समस्याएं हुई, उनके ऊपर कुछ आरोप लगाए गए, 7 महीने। आप जानते हैं ये उनकी गवाही है, उन्होंने मुझे बताया कि जेल में जाने से पहले मेरा जो परमेश्वर के साथ जो संबंध था वो उथला उथला था। मुझे यही नहीं पता था कि बाइबल के अंदर नीति वचन है। बड़ी बड़ी सभाएं कराते, बड़ी बड़ी मीटिंग कराते, बड़े बड़े कार्यक्रम करते पूना के अंदर, लेकिन यह नहीं पता कि बाइबल के अंदर नीति वचन है। जब जेल में गए पूरा सिस्टम बदल गया, पूरा सिस्टम हिल गया। ये उनकी गवाही है। मुझे जो गाड़ी में लेके जा रहे थे रोते हुए आंसुओं से, कहते हैं आचार्य जी मैंने परमेश्वर को जेल में जाना तब नहीं जाना जब मैं आराम से 5-star घर में रह रहा था। आप समझ रहे, जब वो अपने 5-star गद्दे पर था घर में, करोड़ों रुपए का आदमी, अरबों रुपए का आदमी, कह रहा तब मैं परमेश्वर को नहीं जान पाया, लेकिन जब मैं काल कोठरी में 7 महीने रहा मैं जान पाया कि परमेश्वर कौन है। आप जानते हैं उसने क्या किया? उसने पूरी भजन संहिता देख देख के बाइबल से अपने हाथ से लिखी, पश्चाताप के लिए पूरा वचन, भजन संहिता एक पूरी डायरी बनाई अपने हाथ से लिखकर, जेल के अंदर 7 महीने। और जब बाहर निकला कहता है अब मेरा जीवन प्रभु के लिए,
मैं जानता हूं कि इस धन सुख सुविधाओं में कुछ नहीं है, मैंने परमेश्वर को जेल में पाया। मैं आपको सच बताता हूं, अभी हम लोग अच्छे बिस्तरों पर सो रहे हैं, इससे पहले ही जान जाइए। कोई बड़ी विपत्ति हमारे ऊपर पड़े, बड़ा संकट पड़े, तब भगदड़ मचेगी उसको जानने के लिए। आप कहेंगे कि अरे उस समय सब कुछ ठीक था, इसलिए परमेश्वर का वचन हमें स्मरण दिलाता है। शद्रक मेशक और अभेदनगो के बारे में पढ़िए, इन तीन मित्रों के बारे में पढ़िए, जाकर आप अध्ययन कीजिए घर में जाकर, कौन था ये लोग और ये क्यों क्यों जेल में पहुंच गए, क्यों आग में डाल दिए गए। कितने लोगों को पता है क्यों आग में डाल दिए गए? सिर्फ हाथ उठाएंगे, सिर्फ हाथ उठाएंगे। शद्रक मेशक और अभेदनगो क्यों आग की भट्टी में डाल दिए गए? आप जानते क्यों? क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा नहीं मानी। राजा की आज्ञा क्या थी? तुम मूर्ति का दंडवत कर, मूर्ति की दंडवत नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए खड़े रहे। आग में डाल दिया गया। अगर हमें आग में डाल दिया जाए, या आग तो बहुत बड़ी बात है, अगर छोटा भी संकट अगर हमारे जीवन में आ जाए हम घबरा जाएंगे, भैया जो आप कह रहे हो वही सही है, खड़े रहे। लेकिन देखो इनका यह निर्णय उन्हें इस पुस्तक में ले आया, इतिहास में परमेश्वर के राज्य में, किंगडम ऑफ गॉड में उनका नाम लिखा गया। हालेलुया। उनका यह डिसीजन, दे लिव फॉर गॉड, ये परमेश्वर के लिए जिए, अपने लिए नहीं जिए, अपने खाने पीने, अपने मन। आज कलीसियाओं का डायरेक्शन क्या है मैं जानता हूं, मुझे 20 साल हो गए। आज कलीसियाओं के अंदर सिर्फ औपचारिकता है, सिर्फ औपचारिकता। लोग आते हैं, बैठते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, बस कमियां निकालते हैं, एक दूसरे की बुराइयां करते हैं, चले जाते हैं। परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं। जवान बच्चे इंस्ट्रूमेंट नहीं सीख रहे, सीख लिया दो चार लोगों ने सीख लिया। माताएं बहनें सुबह 4 बजे 5 बजे उठकर प्रार्थना नहीं कर रही हैं। ये डायरेक्शन होगा हमारी कलीसियाओं का, मसीह समाज का ये डायरेक्शन होगा। 4 बजे उठिए, प्रार्थना कीजिए, उस परमेश्वर से उसकी इच्छा को जानिए, घुटनों पर आइए, बाइबिल खोलिए, सिद्धांतों को समझिए। जब आप परमेश्वर के सिद्धांतों को, हम अपने लिए परेशान हैं, अपनी नौकरी अपने बिजनेस के लिए परेशान हैं, अपने स्वास्थ्य के लिए परेशान हैं, हम अपनी ही चीज़ों के उधेड़बुन में लगे हुए हैं। लेकिन देखिए ये लोग कौन थे? दाऊद के बारे में आप जानते हैं, यू नो, छोटा बच्चा था, छोटा बच्चा जो भेड़ बकरियां चरा रहा है। ध्यान से सुन लीजिए सिद्धांत को। परमेश्वर ने उस छोटे बच्चे को देखा कि ये छोटा बच्चा भेड़ बकरी चरा रहा है और बड़े उत्साह के साथ चरा रहा है और बड़े भयभीत रूप से, क्योंकि स्वाभाविक है जंगल से भेड़ बकरियां जब चर रही हैं तो भालू भी आएगा, शेर भी आएगा। वो अपनी भेड़ और बकरियों के लिए भालू और शेर से भी लड़ लिया। मालूम है आपको, परमेश्वर ने यह चीज देख ली, कहता यह व्यक्ति अगर भेड़ और बकरियों की इतनी चिंता कर रहा है तो अगर मैं इसके हाथ में राष्ट्र दे दूं तो कितना बढ़िया होगा। परमेश्वर ने उसके हाथ में इज़राइल राष्ट्र दे दिया। आप सोचिए, राजा की नियुक्ति और उसके भाइयों की हो रही थी, जवान पुरुष देखे जा रहे थे, लंबे चौड़े तगड़े, कहानी आपको पता है। लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं, इसका अभिषेक होगा, ये छोटा बच्चा भेड़ बकरी वाला। क्यों? क्योंकि वो अपने छोटे से कामों में, छोटी योजनाओं में जो प्रभु ने उसे दी थी, निपुण था, सक्षम था। आज हमें परमेश्वर ने क्या काम दिया? आज कलीसिया आने में तकलीफ होती है, उठने में तकलीफ होती है, कलीसिया टाइम पर पहुंचने में तकलीफ होती है, छोटी छोटी बातें। अभी मैं एक चर्च में था, हम लोग तो खैर यहां होजन में मिल लेते हैं तो बहुत सारी व्यवस्थाएं जो है वो रेडीमेड है। एक पास्टर साहब बोले, पास्टर साहब मैं क्या करूं, मैं आता हूं, मेरा परिवार आता, हम दरी बिछाते, माइक लगाते, आधे घंटे के अंदर पूरी कलीसिया घुटने पर आ गई। जब मैंने प्रचार किया, लोगों ने पश्चाताप किया। अभी हम एक सभा में गए थे, एक पास्टर साहब थे, उन्होंने पश्चाताप किया। उन्हें कहा कि मेरे लिए मेरी कलीसिया जो है बस एक औपचारिकता है, मैं आता हूं, उनको सिखाता हूं। सीनाई चर्च के पास्टर थे, तनख्वाह मिल रही है, उन्हें क्या मतलब लोगों से, लोग नाश हो रहे कोई मतलब नहीं, वचन सीख रहे कोई मतलब नहीं। मैं खुलेआम बोलता हूं, पश्चाताप के उन्होंने कहा कि आचार्य जी पहली बार मुझे लग रहा है, फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ, मेरी आत्मा मुझे झिझकोर रही है कि मैं क्या कर रहा हूं, मुझे लोगों को आगे बढ़ाना है, प्रभु में आगे बढ़ाना है। उन्होंने पश्चाताप के अपनी कलीसिया के सामने खड़े होकर कहते, आज मैं आपसे माफी मांगता हूं, अब तक मेरे लिए आप लोग कुछ और थे, लेकिन आज मैं आपको जो है अपना जीवन देता हूं और मैं आप लोगों को बाइबिल पढ़ाऊंगा, जिसको सीखनी हो मेरे पास आइए। कलीसियाओं ने पश्चाताप किया, दरिया बिछाना सीख गए लोग, टेंट लगाना सीख गए। सीखना होगा, अगर आप परमेश्वर की इच्छा को, उसकी योजनाओं को तुच्छ जानेंगे,
परमेश्वर की आज्ञाओं को तुच्छ जानेंगे, आप बहुत बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं। निकाल लीजिए यूहन्ना नबी की पुस्तक, उसका उसका पहला अध्याय पेज नंबर 1076 पुराने नियम में मिलेगा, 1076, ठीक है, और 15 पद पढ़िए। पूरा 11 से पढ़ सकते हैं हम, लेकिन इसको हम जरा 15 पद पढ़ेंगे क्योंकि क्विक हमें आगे निकलना है। यूहन्ना नबी की पुस्तक उसका पहला अध्याय 15 पद पढ़िए। हाँ देखिए, ये यूहन्ना नबी कौन है, संत यूहन्ना कौन है आप जानते हैं? ये परमेश्वर का दास है, सेवक है। ये यूं ही नहीं है, परमेश्वर ने इसे रातों रात नहीं बोल दिया कि यूहन्ना जाओ तुम नीनवे जाकर प्रचार करो। इसका परमेश्वर के संग रिश्ता था, कनेक्शन था। आज आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ है, आप मसीह हैं, विश्वासी हैं, आप प्रभु भोज लेते हैं, परमेश्वर की कलीसिया में आते हैं, आपने बपतिस्मा जल संस्कार की विधि के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु माना, अपना गुरु माना है। आपका संबंध परमेश्वर से है, और जिसका संबंध होता है उसी को आज्ञा दी जाती है, उसी को काम दिया जाता है, उसी को चुनौती दी जाती है। मैं सड़क पर चलते हुए आदमी से रिक्वेस्ट नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको जानता हूं, मैं आपसे कह सकता हूं, भाई ये काम कर दीजिए, ये काम कर दीजिए, उसको ले आइए, उसको छोड़ाइए, आपकी मुझे आवश्यकता। क्यों? क्योंकि मैं आपको जानता हूं। परमेश्वर का यूहन्ना नबी के संग संबंध था, इसलिए परमेश्वर ने उसे एक बड़ी जिम्मेदारी दी, उठ और जाकर नीनवे में जाकर प्रचार कर। लेकिन हुआ क्या, वो भाग लिया कहीं और। जब वो भागा उसे लगा सब ठीक है, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, जहाज पे चढ़ रहा होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, समुद्र शांत है, खाने पीने की चीजें मेरे पास है, बच गया मैं, प्रभु की आज्ञा से बच गया, नाव चल दी 2-4-5 किलोमीटर 10-20 किलोमीटर चल दी, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बच गया। लेकिन तब क्या हुआ, धीरे 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 उस स्थान पर समुद्र में लहरें तेज होने लगी, और इतनी तेज हो गई वो लहरें कि पूरी नावी डूबने लगी। लोग घबरा के बोले ये तो बड़ा कुछ दैविक है भाई, ये जो तूफान आ रहा है ये छोटा मोटा तूफान नहीं है, ये तो कोई ऐसा पाप हो गया, कोई दिक्कत हो गई। उन्होंने आपस में मंथन किया, भाई कौन है, किसकी वजह से यूहन्ना नबी पकड़ा गया। देखो चिट्ठी डाली गई, प्रभु ने यूहन्ना के नाम की चिट्ठी निकलवा दी, बोला यही है जिसने मेरी आज्ञा तोड़ी है। अब तक ठीक था, 10 साल से अच्छा संबंध था, लेकिन अब पकड़ लिया, बोला यही है। लोगों ने कहा हम तेरे साथ क्या करें कि समुद्र शांत हो जाए। उसने कहा भाई मुझे ही फेंक दो, क्या करें, नहीं तुम सब लोग डूब जाओगे। परमेश्वर का क्रोध, वो परमेश्वर केवल दयालु नहीं है, क्रोधी भी है। देखिए उसने पूरी पूरी नाव खतरे में डाल दी, देखिए उसके सिद्धांत। और तब क्या हुआ, जब उसको डाल दिया गया, 15 पद पढ़े, समुद्र में फेंक दिया योना को उठाकर, परमेश्वर के दास को उठाकर समुद्र में फेंक दिया। परमेश्वर के दास का तो आदर होना चाहिए भाई आपका आदर होना चाहिए, आप प्रभु के लोग हैं, प्रभु के जन हैं, प्रभु बोझ ले रहे हैं, आ रहे हैं आप प्रभु के सिद्धांतों को समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, आपका तो आदर होना चाहिए, स्वागत होना चाहिए। लेकिन यहां क्या हुआ, यहां उठाकर उसको समुद्र में डाल दिया, मरो जाकर, तुम्हें कीड़े खाएं, तुम्हें मछलियां खाएं। और वही हुआ, एक मछली ने उसको निगल लिया। पढ़े, थम गई, जैसे ही उसको फेंका औरों के प्राण बच गए। आगे पढ़े, देखो गैर कौम के लोग जिनके पास परमेश्वर का कोई प्रकाशन नहीं, वो भय मान गए, बोले अरे भैया ये यहोवा परमेश्वर है, ये बहुत बड़ा सामर्थ्य परमेश्वर। और जानते उन्होंने तुरंत क्या किया, आगे पढ़िए, हाँ भेंट चढ़ाई परमेश्वर को। आपने चढ़ाई, आपने परमेश्वर को कोई भेंट चढ़ाई, आपने कोई मन्नत मांगी? गैर कौम के लोग जो यहोवा के दर्शन को देखा उन्होंने घुटने टेक दिए। लेकिन योना का क्या हुआ, आगे पढ़े, संत योना का क्या हुआ, ये सच्ची घटना है, ये कोई काल्पनिक घटना नहीं है, इस पर अध्ययन कीजिए, ये हुआ था। संत योना नीनवे में जाकर राजा के सामने खड़े होकर प्रचार करके आया, बाद में यही योना था, 3 दिन तक ही जंतु के पेट में पड़ा रहा, 3 डेज तक। जब आप अनाज्ञा करेंगे याद रखिए कोई एक बड़ा संकट आपके ऊपर आएगा, तकलीफें आएंगी, चुनौतियां आएंगी, परमेश्वर आपको करेक्ट करेगा, जेल में ले जाकर परमेश्वर करेक्ट करेगा आपको। पश्चाताप जेल के अंदर होगा, पश्चाताप जो होगा वो मछली के पेट में होगा, अंधकार में होगा। सब कुछ हरा हरा नहीं है परमेश्वर के राज्य में, हरा तब होगा जब मान लो आप स्वर्ग में पहुंच जाएंगे तब ठीक है, लेकिन पृथ्वी तक तो भैया तलवार लटकी हुई है,
पृथ्वी पर तो तलवार लटकी रहेगी आपके। जब प्रभु आएंगे आपको स्वर्ग राज्य में ले जाएंगे तो आप बच गए मान लो, फिर तो सर्टिफिकेट मिल गया आपको, आप स्वर्ग पहुंच गए। लेकिन जब तक आप पृथ्वी पर हैं, एक एक दिन आपके लिए मेरे लिए भारी और चुनौती का है। आज्ञाओं को मानना सीखिए, छोटी छोटी आज्ञाओं में, छोटी छोटी बातों में विश्वास योग रही है। ये तो बहुत बड़ी आज्ञा थी, बहुत बड़ी आज्ञा थी कि नीनवे जाओ और वहां जाकर प्रचार करो। 3 दिन वो जंतु के पेट में पड़ा रहा, और आप जानते हैं तब योना ने क्या किया, योना ने प्रार्थना की, रोया प्रभु के सामने। पढ़िए घर जाकर आराम से। मेरा मित्र जब मुझे बता रहा था कि आचार्य जी उसके पास 5-6 बड़ी लग्जरी गाड़ियां हैं, मर्सिडीज में घूमता है, बड़े बड़े बंगले, 7-स्टार बुक रहते हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, फिल्म स्टार्स उससे मिलने के लिए आते हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम। मैं आपको बताऊं, आप उसकी प्रशंसा नहीं कर रहा, लेकिन तब वो प्रभु को नहीं जान पाया। लेकिन जब वो जेल में गया, अकेला था, कह रहे एक एक ग्लास पानी के लिए संघर्ष था, सोने के लिए 2.5x6 का एक चबूतरा था, कह रहा मैं उस चबूतरे को देख रहा हूं, 2.5x6 का चबूतरा है सीमेंट का, उसके लिए 10,000 रुपए देने, नहीं तो जमीन पर सो, चबूतरे पे सोना है तो 10,000, जमीन पे सोना है मुफ्त। मैंने अपना सर पकड़ लिया, हे प्रभु मैं कहां आ गया हूं, मेरे घर में तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, मैं तो लखपति करोड़पति हूं। तब वो घुटनों पर आया, प्रार्थना की, उसने अपना जीवन प्रभु को दिया और आज निकल कर आया। उसने मुझे अभी पुणे में बुलाया, कहता है मैं अपना जीवन भैया पूरा प्रभु को देना चाहता हूं। पहले मैंने बस एक छोटा कोना दिया हुआ था, लेकिन मैं अपना पूरा जीवन प्रभु के लिए देना चाहता हूं और मैं प्रभु के लिए जीऊंगा। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं मेरे प्रियो, आई वॉन्ट टू एनकरेज यू। यही बात जो भजन संहिता 53:2 में लिखी है, सेम बात भजन संहिता 14:2 में लिखी है। परमेश्वर ने स्वर्ग से मनुष्यों पर दृष्टि की कि देखे कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। आई वॉन्ट एनकरेज यू, परमेश्वर को जानिए, उसके वचन को जानिए, अध्ययन कीजिए। कम से कम नाना करते हुए भी 2 घंटे प्रत्येक दिन बाइबल पढ़िए, 1 घंटा सुबह बाइबल पढ़िए, 1 घंटा शाम को। और आपको मैं बताना चाहता हूं, ये काम तभी संभव है जब आप अपने आप को लोगों से अलग कर लेंगे। लोग आपको कभी बाइबल नहीं पढ़ने देंगे, आपका फोन आपको बाइबल नहीं पढ़ने देगा। बड़ी चुनौती, बड़ी कठिनाई है भाई, फोन पे फोन, रील्स पे रील्स, ईमेल, जीमेल, सब कुछ। आप बाइबल उठाने की कोशिश करेंगे, जैसे ही आप वचन उठाने की कोशिश करेंगे, आप देखेंगे कि तुरंत कोई ना कोई ऐसी बात, कोई ऐसी योजना जो है वो आपके पीछे लग जाएगी, वचन नीचे रह जाएगा। लेकिन आप परमेश्वर को कभी नहीं जान पाएंगे, उसके सिद्धांतों को, योजनाओं को नहीं जान पाएंगे। बिना वचन को खोले, बिना बाइबल को खोले आप परमेश्वर को नहीं जान पाएंगे, उसकी योजनाओं को नहीं जान पाएंगे, ये मैं आपको दावा दे रहा हूं। लेकिन जब वचन खुलेगा, परमेश्वर का वचन आप खोलेंगे, अध्ययन करेंगे, तब आप बलवंत और सशक्त होंगे, आप बुद्धिमान होंगे। आप बुद्धिमान कैसे होंगे? संसार की किताबें पढ़कर नहीं होंगे। पत्रस ने कोई संसार की किताबें नहीं पढ़ी थी, लेकिन परमेश्वर ने उसे क्या किया, उसे श्रेष्ठ बनाया। हालेलुया। मूसा के पास कोई PhD नहीं थी, वो कभी यूनिवर्सिटी नहीं गया, उसके पास कोई डिग्रियां नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने उसे श्रेष्ठ बनाया। नोआ के पास कोई संसारिक ज्ञान नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उसे श्रेष्ठ बनाया। श्रेष्ठ कब बनते हैं आप? जब आपके अंदर परमेश्वर का ज्ञान होता है, द नॉलेज। साधु सुंदर सिंह जी, बार बार मैं बोल रहा हूं, इसलिए श्रेष्ठ नहीं थे कि उनके पास डिग्रियां थी, इसलिए श्रेष्ठ थी क्योंकि उनके पास परमेश्वर का वचन था, लोगों ने उन्हें स्वीकार किया। धर्मप्रकाश शर्मा जी क्यों श्रेष्ठ रहे? क्या वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में याद किए जाते हैं आज? हम तो कभी उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में याद नहीं करते। क्या वो इंदिरा गांधी के सलाहकार थे इसलिए हम उनको याद करते हैं? बिल्कुल याद नहीं करते। हम उन्हें क्यों याद करते हैं? क्योंकि उनके पास परमेश्वर का जीवित वचन था। भक्त सिंह के पास परमेश्वर का वचन था। आपकी पहचान आपके संसारिक ज्ञान से नहीं होगी, आपकी पहचान परमेश्वर के वचन से होगी कि आपके अंदर परमेश्वर का वचन कितना है, कितने वचन आपको याद हैं, और कितने वचनों पर आप अपने जीवन को केंद्रित करते हैं, उस पर चलाते हैं कि ये मेरे वचन का आधार है। आज कलीसियाओं को एक दिशा चाहिए। बहुत खतरनाक स्थिति है, मैं आपको बताने जा रहा हूं। बहुत लोग गुमराह हैं, वो सोच रहे हैं कि सब ठीक चल रहा है, लेकिन अचानक एक बड़ा तूफान आएगा। कब यीशु मसीह आ जाए और आपके सामने खड़े होकर कहें और कहे इसमें तो केवल पत्ते ही पत्ते हैं, इसमें कोई फल नहीं है, कभी भी वो डायरेक्ट आपकी तरफ मुड़ सकता है। अच्छा भला सीधा सीधा जा रहा था, उसी समय उसको भूख लगी, उसी समय वो पेड़ सामने आ गया। प्रभु उसके पास में गए, उसमें सिर्फ पत्ते थे, सिर्फ बातें थी, कुछ नहीं, उसके अंदर कोई फल नहीं था। प्रभु ने उसे श्राप दे दिया।
आप सोचो ये सिद्धांत किसके लिए? इतने बड़े यहोवा परमेश्वर की लड़ाई एक पेड़ से होगी, लेकिन जानते हैं वो पेड़ कोई और नहीं, मेहरा भी है। वो तो एक उदाहरण है। किसी भी दोपहर किसी भी शाम परमेश्वर आपकी तरफ मुड़ेगा, रात को 2 बजे कहेगा चलो भाई इसको देखिए इसमें कितने फल है, ये मेरे लिए क्या कर रहा है, मेरे लिए। मैं आपको खुली चुनौती दे रहा हूं यहां से खड़े होकर, आप परमेश्वर के लिए क्या कर रहे हैं वही गिना जाएगा। आप अपने बीवी बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं, आप अपने पति के लिए क्या कर रहे हैं, आप संसार के लिए क्या कर रहे हैं, उसके लिए क्या कर रहे हैं, किसके लिए क्या कर रहे हैं, ये गिना नहीं जाएगा। ये गिना जाएगा सिर्फ इतना कि आपने परमेश्वर के लिए क्या किया। मेरे एक मित्र आईएएस ऑफिसर है साउथ में, वो कहते हैं बड़ी खतरे की नौकरी है, सारे बड़े बड़े मिनिस्टर्स उनके ऊपर होते हैं। कहता नौकरी जा कोई बात नहीं, मैं तो प्रभु का प्रचार करूंगा, क्या कर लेगी नौकरी, मैं ठेले पे टमाटर बेच लूंगा, ये उनका स्टेटमेंट है, मैं ठेले पे टमाटर बेच लूंगा, आलू बेच लूंगा, लेकिन मैं परमेश्वर का प्रचार करूंगा। जब तक मुझे सरकार आईएएस मानेगी, अधिकारी मानेगी, ठीक है मान ले, लेकिन मैं तो प्रभु का प्रचार करूंगा, लोगों को प्रभु के बारे में बताऊंगा। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कहते हैं मैंने अपना अपना पूरा तन मन धन परमेश्वर को दे रखा है, परमेश्वर के लिए क्या करना है, कौन सी नई युक्ति, कौन सी नई रणनीति, कौन सी नई योजना। आज मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू चैलेंज यू। फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 22:19 में लिखा है, पहला इतिहास 22:19 में लिखा है, सेट योर माइंड एंड हार्ट टू सीक द लॉर्ड। अपने दिल को और अपने दिमाग को क्या करो, परमेश्वर की तरफ मोड़ दो, टेक इट टू द लॉर्ड, परमेश्वर की तरफ मोड़ दो। एक्सोडस चैप्टर 29:46 में, निर्गमन 29:46 में लिखा है, मैं उनके बीच में रहूंगा, मैं उनके बीच में रहूंगा। हबक्कूक चैप्टर 2:2 क्या लिखा है, कितना सुंदर वचन है। ये वचन आपके घर में प्रिंटेड लगा होना चाहिए, प्रिंटेड, प्रिंट करवाइए इसको, हबक्कूक 2:2 को एक बड़ा प्रिंट निकालिए, अच्छा सुंदर प्रिंट आउट निकालिए और हबक्कूक 2:2 को सामने बिल्कुल जहां आपके बेड के सामने आपकी ड्रॉइंग हॉल में लगा दीजिए। क्या लिखा है, दर्शन की बातें लिख दे वरन पटियाओं पर लिख दे कि दौड़ते हुए भी सहजता से सरलता से वो पढ़ी जाए। आपके घर के अंदर परमेश्वर के वचन होने चाहिए। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। जिस दिन परमेश्वर हमें भवन देगा, आज हम लोग चलो यहां इस तरीके से मिल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं कई ऐसी जगहों पर गया हूं जहां पर उनके पास अपने भवन है, स्थानीय भवन है, दीवारें खाली हैं। मैं उन्हें जाकर चर्च को समझाता हूं, पूरी जगहों पर आप वचन लिख दीजिए, लिख दीजिए, लोग पढ़ेंगे। चलते दौड़ते परमेश्वर का ताकत वचन से ही आएगी आपको। बुद्धिमान आप वचन से ही होंगे, बुद्धिमान आप PhD करने से नहीं हो जाएंगे। मैंने बड़े बड़े एरोनॉटिक्स इंजीनियर देखे, बड़े बड़े साइंटिस्ट देखे, गवर्नर देखे, पूरी दुनिया में लोगों के संग बैठा, लेकिन जब वचन की बात होती है सब हाथ जोड़कर बैठ जाते, कहते नहीं जी परमेश्वर का वचन ही जो अटल है और सत्य है। आपकी पहचान परमेश्वर के वचन से होगी, जब आप लोगों से बात करें परमेश्वर के वचन से बात करें। हमारे शहर में एक व्यक्ति है रत्ना स्वामी अंकल जी, आप जानते हैं, कितने लोग जानते हैं रत्ना स्वामी जी को। अच्छे बड़े अधिकारी रहे, फॉरेस्ट के हेड रहे, राजस्थान के फॉरेस्ट के हेड रहे, बिना वचन के वो बात ही नहीं करते, चाहे अधिकारी हो चाहे मंत्री हो कुछ भी हो, नाम कहते वचन में ये लिखा है। कह रहे एक दिन मैं वसुंधरा राजे सिंधिया जी के साथ बैठा, मुझे अपनी गवाही दे रहे, सामने बैठी, कहती है ऐसा कर ले वैसा कर ले। उन्होंने कहा नहीं मैडम, बाइबिल ये कहती है, परमेश्वर का वचन ऐसे कहते काम ऐसे ही होगा। कैन यू बिलीव दैट, बाइबिल ये कहती है, परमेश्वर का वचन ये कहता है, बस परमेश्वर ने जो कह दिया वो सत्य और अटल है। सामने कोई भी हो, आपका कितना बड़ा भी नुकसान हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। परमेश्वर के वचन के लिए अगर आपने कोई चीज छोड़ी है, कोई चीज आपसे छीनी गई है, इसलिए क्योंकि आपने वचन का सम्मान किया है, मैं आपको बताता हूं 4 times आपको वापस मिलेगा। शद्रक मेशक और अबेदनगो ने परमेश्वर के वचन की अनज्ञाकारिता नहीं की। निर्गमन 20 में परमेश्वर ने लिख के दिया था कि मूर्ति के आगे दंडवत मत करना, निर्गमन 20 में। और यहां पर जब हम पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं, वो मूर्ति के आगे दंडवत नहीं करते, क्यों? क्योंकि उनको याद है कि वचन क्या कहता है, वचन में क्या लिखा है, मूर्ति के आगे नहीं झुके। वो कहता ना हमारे परमेश्वर यहोवा ने कहा है हम नहीं करेंगे, आग में डाल दिया गया। आप जानते क्या हुआ बाद में, वही राजा जिसने आग में डाला उसने घुटने टिकाए और कहा कि शद्रक मेशक यहोशू का परमेश्वर जो है वो मेरा परमेश्वर होगा, हालेलुया, अबेदनगो का परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो।
परमेश्वर की आज्ञा को मत तोड़िए, सचेत रहिए, लिखिए उसकी आज्ञाओं को लिखिए। हम सब प्रतिज्ञाओं के पीछे भागते कि ये मिलेगा वो मिलेगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे शांति दूंगा, तुझे संभालूंगा, तेरे काम पर आशीष होगी, ये होगा वो होगा। आज्ञाओं को पढ़िए, आज्ञाओं में जीवन है। जो आज्ञा पर नहीं चलेगा वो काट दिया जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। जो परमेश्वर क्या, आप बताइए कि यदि नोहा परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानता तो क्या वो बचता? क्यों बचता था? वो कभी नहीं बचता। परमेश्वर ने तो सारी दुनिया का नाश ठान ही लिया था, तो 8 लोग और मर जाते, क्या फर्क पड़ता परमेश्वर को? लेकिन परमेश्वर की आज्ञा को उसने माना। अय्यूब के जीवन को देखो, अय्यूब के जीवन में पढ़ो, अय्यूब को अपना आदर्श बनाओ। हमारे जीवन में छोटी मोटी परेशानियां आती हैं, हम खड़े हो जाते हैं, तकलीफें, आंसू, समस्याएं। अय्यूब का सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ, उसके बच्चे मर गए, उसका घर परिवार नष्ट हो गया, उसका बिजनेस। आपको मालूम है अय्यूब सबसे धनी व्यक्ति था अपने समय में। ही वॉज द रिचेस्ट पर्सन इन द मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट का अब तक का सबसे धनवान व्यक्ति था अय्यूब। कोई गरीब नहीं था कि उसका कुछ थोड़ा नुकसान हो गया, चलो कोई बात नहीं, हम तो पहले से गरीब हैं, थोड़ा खत्म हो गया तो क्या फर्क पड़ता है। जिसका सब कुछ नष्ट हो जाए, पूरी दुनिया हिल जाए उसकी, वो क्या कहता है? प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, उसका नाम धन्य हो। उसने, उसकी वाइफ आई, उसकी पत्नी आई अय्यूब 2:9 में, कहती अब तो परमेश्वर को छोड़ दे, अब तो तू परमेश्वर को बुरा बोल। उसको देखो कितना सही मौका है किसी को गिरा देने का। वो व्यक्ति तकलीफ में और धीरे से जाके कान में कह दो हाँ ऐसा ही है ऐसी, तो वो भी मान ले आपकी बात, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, देखो मैंने तो प्रभु की सेवा किया। किसी को डीमोटिवेट करने में 2 मिनट लगते हैं। अगर वो व्यक्ति पहले से ही डीमोटिवेटेड है तो उसको डीमोटिवेट, आग में आपको घी डालना, आपको क्या करना, आपको आग में घी डालना। पहले से दुखी है, वह जाके बोल दिया देख परमेश्वर ने ऐसा किया, उसके दोस्तों ने कहा, कहता ना उस यहोवा ने दिया उसने ले लिया, कहता मैं तो अपनी मां के पेट से नंगा आया था और नंगा ही चला जाऊंगा। आप देखिए उसकी कब्र, देखी आपने अय्यूब की कब्र? देखी है, गूगल पर सर्च कीजिएगा, आपको जॉब की कब्र दिखाई देगी। आज मुस्लिम लोग वहां जाते हैं सजदा करने के लिए, बड़े बड़े अधिकारी मंत्री वहां जाते हैं, अय्यूब की कब्र भैया ये जॉब की अय्यूब की कब्र है। वो व्यक्ति परमेश्वर के लिए जिया, परमेश्वर के लिए मर गया, उसकी आज्ञाओं को पकड़े रहा। हम अपनी छोटी छोटी भौतिक चीजों में, भौतिक प्रबंधों में इतने फंस गए हैं कि हम भूल ही गए हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है। और मैं आपको दावा देता हूं, इस जितने लोग यहां बैठे हम में से हर एक के पास परमेश्वर की एक सुंदर योजना है, हर एक को इस्तेमाल करना चाहता है। सिर्फ मुझे नहीं, मेरे परिवार को नहीं, मेरे बच्चों को नहीं, पीछे जो सबसे बैठे, मैं आपको सच बताता हूं, परमेश्वर एक विश्वास योग्य को चुन लेगा, परमेश्वर रॉबिन को चुन लेगा। कहां खड़ा है रॉबिन? ये जो लड़का, खड़े हो जा बेटा, इसको देखो, इसको चुन के परमेश्वर राजा बना देगा। कोई बड़ा, परमेश्वर के लिए बड़ा काम नहीं है। जो ढोलक बजा रहा है परमेश्वर उसके हाथ में बड़ा साम्राज्य दे देगा। और जो बड़े बड़े लोग हैं, टाई लगाकर हम बैठे हैं, बड़े बड़े धनवान ज्ञानवान बड़े, वो पीछे हो जाएंगे। और परमेश्वर एक व्यक्ति को, एक कमजोर व्यक्ति को खड़ा कर देगा। एक दासी को परमेश्वर ने खड़ा किया नामान कोड़ी के लिए। नामान कोड़ी बहुत बड़ा एम्परर था, उसके घर में वो बेचारी काम करती थी, यहूदी लड़की थी 12 साल की। हाँ, वो नामान कोड़ी था ना, उसको क्यों लाए थे? कोड़ी की सेवा करने के लिए लेकर आए थे। आपको मालूम है, उसको खरीद कर लेकर आए थे कोड़ी की सेवा करने के लिए। उसकी शरीर से रक्त बह रहा, वो बेचारी जो है वो पहुंच रही है, खून पहुंच रही है। यहूदी लड़की, यहूदी दुनिया के सबसे बुद्धिमान और सबसे प्रतिष्ठित समाज के लोग, वो क्या कर रही है? 12 साल की लड़की नामान कोड़ी का खून साफ कर रही है, क्योंकि उसे गुलामी में लेकर आए थे। लेकिन देखो आप, गुलामी में एक यहूदी लड़की गुलामी के अंदर खून पोंछ रही है, गंदगी उठा रही है, लेकिन नामान कोड़ी से क्या कहती है? तू यहोवा के पर लोगों के पास चला जा, वो यहोवा की इबादत, वहां लोग बैठे उनके पास चला जा, तू ठीक हो जाएगा। एलिया के पास में वो आया फिर दंडवत करने के लिए, झुकने के लिए। आपको पूरी कहानी मालूम है। लेकिन एक लड़की को, छोटी 12 साल की लड़की को परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए चुन लिया। और देखो उसका नाम जो है वो पवित्र शास्त्र बाइबल में दर्ज हो गया, उसका इतिहास में नाम लिखा गया। ठीक इसी तरह याद रखिएगा, अभी परमेश्वर का काम चल रहा है, अभी आपकी और मेरी बारी है। परमेश्वर किसी को भी उठाएगा और अपने इतिहास के लिए इस्तेमाल कर लेगा। इसलिए परमेश्वर के राज्य की चिंता कीजिए, अपनी चिंता छोड़ दीजिए।
आप अपनी चिंता करते करते थक जाएंगे, आपकी चिंताएं आपकी योजनाएं आपके लिए कभी खत्म नहीं होंगी। आज परमेश्वर ने हमें एक चीज दे दी, कल दूसरी चीज की चिंता हो जाएगी। आज एक चीज ले आए फिर दूसरी चीज की, हम कभी इस चक्कर से निकल ही नहीं पाएंगे। परमेश्वर के राज्य के बारे में, परमेश्वर के किंगडम के बारे में बैठकर सोचना शुरू कर दीजिए कि मैंने परमेश्वर के लिए अब तक क्या किया। परमेश्वर को भीड़ नहीं चाहिए, परमेश्वर को आज्ञाकारी शिष्य चाहिए। भीड़ तो आई थी, 5,000 के लोग खाना खाने आए थे, लेकिन 12 लोग थे जो चरणों में बैठे हुए थे। 12 में भी आप याद रखते, जब सब भाग गए, यीशु मसीह क्रूस पे था, तो सिर्फ पतरस बेचारा डरते डरते आया वहां पर खड़ा था। जब यीशु मसीह, तब यीशु मसीह ने कहा, ये मेरी माता है, इसको अपने घर ले जाओ। सारे शिष्य भाग गए। परमेश्वर ने आज मसीहों को एक बड़ी भीड़ के रूप में नहीं बुलाया है। चर्चेस की हालत खराब है, बहुत चर्चेस की हालत, कोई डायरेक्शन ही नहीं है, कोई दिशा ही नहीं, परमेश्वर का वचन है ही नहीं, ताड़ना है ही नहीं। देखिए एक बात बताता हूं, कहीं चने हैं तो दांत नहीं, कहीं दांत है तो चने नहीं। कुछ अच्छी कलीसियाएं हैं जो सीखना चाहती हैं, वहां अच्छे पास्टर ही नहीं है। मैं जानता हूं, आप नहीं जानते, मैं जानता हूं। अच्छी कलीसियाएं हैं जिनके अंदर अन्य जाति लोग आए बैठे हैं, लेकिन उनके पास्टर ही अच्छे नहीं है। लोग आ रहे हैं बाइबिल लेके, रजिस्टर लेके अपने बच्चों के साथ आराधना करने के लिए, लेकिन वहां औपचारिकता चल रही है, वहां सिर्फ दिखावा चल रहा है, रटी रटाई चीजें सिखाई जा रही है, ताड़ना नहीं दी जा रही। और कहीं पर क्या है, पास्टर्स बहुत अच्छे, वेरी डेडिकेटेड पास्टर, वेरी पावरफुल अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड हैज बीन कॉल्ड बाय द गॉड, लेकिन वहां कलीसियाएं हैं उनकी आंख पर पट्टी बंधी है, उन्हें कोई मतलब नहीं कि हमारा पास्टर क्या सिखा रहा है, जीवन की बात बता रहा है कि क्या बता रहा है, हम सीख लें, उन्हें कोई लेना देना नहीं, उनको बस औपचारिकता निभानी, आना है निकल जाना। लेकिन ऐसी भी कलीसियाएं हैं जहां परमेश्वर के दास और कलीसियाएं दोनों मिलकर परमेश्वर की सेवा करती है। एक डायरेक्शन तो होगा, एक तो मुखिया होगा। चलिए मैं बैठ जाता हूं, आप में से कोई मुखिया बनने के लिए तैयार है, आ जाइए, चलाइए 1,000 लोगों को लेकर चलिए, मैं तैयार हूं आपके पीछे चलने के। लेकिन आपके पास दर्शन और वचन होना चाहिए। आपके पास दर्शन है तो वचन होगा, मैं आपके पीछे चलूंगा। लेकिन अगर आपके पास दर्शन और वचन नहीं है तो आप मेरे पीछे आइए, क्योंकि मेरे पीछे, मेरे पास दर्शन और वचन है। हमें एक ऐसा राष्ट्र, एक समाज बनाना है। कितने लोग हैं जो दूसरों को प्रभु के बारे में बताते ही नहीं। यूना नबी के बारे में पढ़िएगा, जब इसकी आंखें खुल गई, गांव में गया, राजा के पास में गया, शहर में गया, और राजा के खड़े होकर ललकारा, बोला जो तुम कुछ कर रहे हो सब गलत है, परमेश्वर न्याय करेगा। आप जानते हैं राजा ने क्या किया, किसको मालूम है, किसको मालूम है राजा ने क्या किया? पूरे के पूरे गांव ने पढ़े, 3-8 पढ़े, बल्कि 6 से पढ़े, चलिए 3 का 6 से पढ़े सब लोग, पेज नंबर 1077, सब लोग बाइबिल खोले भाई, पुराने नियम में 1077, रुक जाए अभी पढ़िएगा मत, 1077 खोल लिया पेज नंबर, 3:6 से पढ़ना शुरू कीजिए। हाँ, दसवां पद भी पढ़िए, कितना सुंदर वचन है। पूरा का पूरा दृश्य जरा इस पर जरा मनन कीजिए। संत योना फिर गया, राजा के सामने खड़ा हुआ, राजा ने उसकी बात को सुना, सुनने के बाद उसने अपने वस्त्र, राजकीय वस्त्र उतारे और टाट ओढ़ा और ढिंडोरा पिटवाया और सबको कहा कि भाई सब उपवास रखेंगे। और तब क्या हुआ, यहां तक कि जानवरों ने भी उपवास रखवाया गया, जानवरों को भी। तब क्या हुआ, लिखा है कि परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वो कुमार्ग से फिर रहे हैं, परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। अगर परमेश्वर अपनी इच्छा नहीं बदलता तो पूरा नीनवे नष्ट हो जाता। ये नीनवे आज शायद मैं और आप तो नहीं,
अगर हम अपने कामों से फिरें और वो काम करें जो प्रभु ने हमें दिए हैं, प्रभु निश्चित आपको बचाएंगे, निश्चित आपको शिरोमणि करेंगे, निश्चित परमेश्वर आपके हाथों में बड़े काम देंगे। अगर आप भेड़ बकरियों में विश्वास योग्य रहेंगे तो परमेश्वर आपको एक बड़ा राष्ट्र भी दे देगा। छोटे कामों में, दरी बिछाने में, गाड़ी साफ करने में, लाने ले जाने में, परमेश्वर के छोटे छोटे कामों में अगर आप विश्वास योग्य रहेंगे तो परमेश्वर आपके हाथ में बड़ा राष्ट्र देगा। मैं आज इस स्थान पर क्यों खड़ा हूं आप जानते क्यों? क्योंकि मैंने चर्च के अंदर पोछा मारा है, मैंने सीटें साफ की है, हमने अपने चर्च में अपने हाथ से पुताई की है, खुरच घास काटी है। परमेश्वर ने तब देखा, ये 8 साल का बच्चा, ये 10 साल का बच्चा चर्च के अंदर झाड़ू मार रहा है, गटर साफ कर रहा है, लोगों को बाहर खड़े होकर वेलकम कर रहा है, साइकिल चला चला कर, मैं लोगों को साइकिल पर बैठा कर, परमेश्वर का कोई दास। मैं अंतिम बात बताकर क्षमा कर समाप्त करना चाहूंगा। हमारे घर में उस समय कोई गाड़ी नहीं थी, जब परमेश्वर का कोई दास बस से उतरता था मैं उसे साइकिल पर बैठा कर 4 किलोमीटर अपने घर लेकर आता था। साइकिल पर बैठा कर पीछे कैरियर पर परमेश्वर के दास बैठे और मैं साइकिल चला रहा हूं, इतना पतला दुबला छोटा सा, और परमेश्वर के दास लंबे चौड़े बुजुर्ग लोग, और मैं जैसे ये आपका बेटा, क्या नाम है, नीरज, सौरभ, साइकिल चला के। और जानते फिर क्या होता था, जब वो मेरे घर आते थे हम खुश होते थे, हमारी माता उनके लिए खाना बनाती, चाय बनाती, हम वही नाचते, मन में आनंद होता, हमारे घर परमेश्वर के दास आए, परमेश्वर के दास प्रार्थना करें। और फिर हम उन्हें छोड़ने जाते, और पिता आपको जाते जाते मैं एक अच्छा काम करता, एक बड़ा काम करता, मैं अपना 1 रुपया जो मेरे पास पॉकेट मनी हुआ करती थी, 2 रुपये हुए थे, वो मैं परमेश्वर के दास को देता था। तो वो हैरान होते थे, कहते बेटा कोई बात नहीं, आपके माता पिता ने दे दिया, कोई बात नहीं, आप ये 1 रुपया 50 पैसे 20 पैसे सिक्के चलते थे, रखो अपने पास 20 का सिक्का रखो। नहीं, मैं आपको देना चाहता हूं, प्लीज ले लीजिए मेरे ये 20 पैसे ले लीजिए मेरे प्रियो। और जब मैं यहां खड़ा हूं, परमेश्वर ने देखा कि ये बच्चा 20 पैसे देने में विश्वास योग्य, परमेश्वर ने मेरे हाथ में बड़ी काम दिए। आज जब मैं किसी शहर से लौटता हूं तो परमेश्वर के लोग खड़े होते हैं मुझे ब्लेस करने के लिए, लिफाफे लेके मैं घुसता हूं अंदर, लोग लिफाफा लेके, ब्रदर जी ये पहले भीड़, बाद में भीड़ हो जाएगी, पहले ये रखिए, ये ब्लेसिंग रखिए। अरे भाई अभी तो मीटिंग शुरू नहीं हुई, अभी तो मैंने प्रचार ही नहीं किया। कहते कोई बात नहीं जी, बाद में भीड़ हो जाएगी, ये लिफाफा अभी रखिए आप, क्योंकि मैं 20 पैसे में विश्वास योग्य था, परमेश्वर ने मेरे हाथ में बड़ा सेवा दी। आप छोटे कामों में विश्वास योग्य रहेंगे, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, आपको आशीष देगा। आइए हम प्रार्थना करें, अपने स्थान पर खड़े हो जाए। प्रार्थना करेंगे हम लोग, कुछ नहीं मांगेंगे परमेश्वर से, सिर्फ एक ही प्रार्थना करेंगे, कहेंगे प्रभु अपनी इच्छा को आप मेरे ऊपर प्रकट कीजिए, आप मेरे जीवन से क्या चाहते हैं, कौन से काम है जो मुझे करने थे अब तक मैंने नहीं किए, कौन सी आज्ञा मैंने तोड़ी प्रभु, कौन से योजनाएं जो आपकी मेरे द्वारा थी प्रभु वो पूरी नहीं हुई, उसको रिस्टोर कीजिए। आज यूना के समान आप जंतु के पेट में नहीं है, मछली के पेट में नहीं, आप एक शानदार हॉल के अंदर खड़े, एक एयर कंडीशन हॉल के अंदर खड़े हुए। वो तो तकलीफ पा रहा था, उसने पश्चाताप किया, आज आप आनंदित हैं, स्वस्थ हैं, अच्छी परिस्थिति में खड़े। रीबिल्ड योर लाइफ, रीकमिट योर लाइफ फॉर द किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को कमिट कीजिए। बोलिए परमेश्वर कौन से काम है जो मुझसे छूट गए, रह गए, मैं कहां अविश्वासी ठहरा प्रभु, कहां अयोग्य ठहरा प्रभु, मेरी सहायता कीजिए, मेरी मदद कीजिए, मुझ पर उन कामों को प्रकट कीजिए प्रभु, मुझे याद दिलाएं, मुझे याद दिलाएं प्रभु कौन कौन से काम जो योजनाएं आपने मुझे दी थी वो रह गई हैं, पश्चाताप कीजिए योना के समान पश्चाताप कीजिए। बोले प्रभु मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, अगर मैं थोड़े में विश्वास योग्य नहीं रहा तो बहुतों में विश्वास योग्य कैसे, कब और कैसे बनूंगा। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम से पिता, अपने इन प्रियजनों के लिए हाथ उठाकर इनके जीवन में शांति की घोषणा करता हूं प्रभु, हाथ उठाकर प्रभु जी मैं दया के लिए प्रार्थना करता हूं कि आप अपने लोगों को कुमार्ग से फिराएं प्रभु जी, संसार की चिंताएं हमारे लिए प्रभु जी हमारे लिए मृत्यु का कारण ना हो जाए, मैं क्या खाऊंगा क्या पीऊंगा, आज से हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए कि मैं परमेश्वर के लिए क्या करूंगा, व्हाट इज माय कॉलिंग, मेरी बुलाहट क्या है, आई विल लिव एंड डाई फॉर जीसस, मैं यीशु मसीह के लिए जीऊंगा, उसके लिए मर जाऊंगा, उस स्वर्गीय राज्य में पहुंचूंगा जो अनंत काल के लिए मेरे लिए रखा गया।
प्रभु मेरे कानों को खोलें, मेरे हृदय को खोलें प्रभु जी। ये जो ताड़ना जो पड़ती है, वचन की ताड़ना पड़ती है, मैं इससे निराश ना हूं, क्रोधित ना हूं, लेकिन इसको मैं स्वीकार करूं, इस ताड़ना को स्वीकार करूं प्रभु, ताकि मैं निखरा जाऊं प्रभु जी। मुझे निखारे प्रभु, एक मिट्टी के समान उठाए मुझे। आप हमारे डॉक्टर हैं प्रभु, आप जानते हैं कमी कहां है। प्रार्थना करता हूं प्रभु, यहां उपस्थित एक एक भाई को, बच्चों को प्रभु, बेटे बेटियों को स्पर्श करना, उनके हृदय में अपनी सच्चाई को डालना प्रभु, ताकि वो तेरे राज्य का, तेरे वचन का, तेरे लोगों का, तेरी सेवा का आदर करना सीख जाए प्रभु, तेरे वचन का आदर करें प्रभु, वचन को पढ़ने की, समझने की, बूझने की शक्ति दे प्रभु। प्रभु जी इनके ऊपर प्रकाशन, भेदों को प्रकट करना, यही मेरी प्रार्थना है। अपने भेद इनके ऊपर प्रकट करना प्रभु, सामर्थ्य के साथ प्रकट करना प्रभु, शिरोमणि करना, इनको बनाना प्रभु जी, तैयार करना, ये मेरी प्रार्थना है और मेरा विश्वास भी, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।